आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों बड़े ही कद्दावर नेता राजनाथ सिंह की। बहुत टाइम से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी, लेकिन एक मेरा और रीजन है मैं इनकी बायोग्राफी समय लेके आ रहा हूँ। हाल ही में कुछ कमिटीज का गठन किया गया, कैबिनेट कमिटीज थी दोस्तों वो, तो उसमें 8 कमिटीज बनाई गई और उसमें से राजनाथ सिंह को सिर्फ 2 कमिटी में ही हिस्सेदारी मिली और उसके बाद में इनका नंबर बढ़ाया गया, तो काफी ज्यादा फिर चर्चाएं होने लगी कि क्या राजनाथ सिंह के जो रिश्ते हैं वो खराब हो गए हैं या क्या उनको साइड में करने की तैयारी है। तो राजनाथ सिंह की बायोग्राफी का रिव्यू करूंगा मैं और यही सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि इस बायोग्राफी में इनकी जीवन को तो बताऊंगा ही मैं। वैसे बता दूं कि राजनाथ सिंह का जीवन काफी अच्छा रहा है और काफी जबरदस्त पॉलिटिशियन है। भैया फिजिसिस्ट रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात तो ये है, इन्होंने भी मास्टर्स फिजिक्स में किया और जब इनके आप स्पीचेस सुनेंगे, इनफैक्ट अगर कहीं पे ये लेक्चर देने जाते हैं तो ये फिजिक्स उसमें जरूर इंक्लूड करते हैं। इन्होंने वैदिक मैथ्स भी इंक्लूड की थी जब ये एजुकेशन मिनिस्टर रहे थे। वेदों पे इनका भी बहुत बड़ा ध्यान रहता है और ये हमेशा बोलते हैं स्पिरिचुअल बनो। ये सारी चीजें हम देखेंगे। राजनाथ सिंह अगर आप उनको देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि उनको जो हाव भाव है, जो बोलने का स्टाइल है, वो अटल जी से बहुत ज्यादा मिलता है और अटल जी एक तरीके से राजनाथ सिंह के गुरु भी थे और बहुत ज्यादा राजनाथ सिंह अटल जी को मानते भी थे। जिस तरीके से राजनाथ सिंह बोलते हैं, जिस तरीके से हाथ वो हिलाते हैं, तो काफी ज्यादा अटल जी से उनका स्वभाव मिलता है। बहुत ही कम बोलते हैं वैसे तो, राजनाथ सिंह से जब भी सवाल पूछा जाता है तो बहुत ही शांत रहते हैं और बहुत ही कम बोलते हैं, नाप तोल के बोलते हैं, ना ज्यादा कम, ना ज्यादा, ना बहुत ज्यादा, बिल्कुल बैलेंस्ड। और इसी ये जो स्वभाव है राजनाथ सिंह का, इससे बहुत सारे पॉलिटिशियंस ये बोलते हैं कि राजनाथ सिंह का जो व्यक्तित्व है वो काफी ज्यादा एक तरीके से बैकफुट पे रहते हैं, वो डिफेंसिव रहते हैं। उनका ये रहता है कि जीत हो चाहे ना हो, लेकिन हार नहीं होनी चाहिए इस रणभूमि में, जो भी हो। दोस्तों कुल मिला के बात यह है कि राजनाथ सिंह अभी तक उन्होंने जितनी भी राजनीति की है उसमें सफल रहे हैं, जो भी इनकी स्ट्रैटेजी रही हो। इनको काफी डरपोक बोला जाता है कि काफी बैकफुट पे रहते हैं, ज्यादा ये फ्रंट फुट पे बैटिंग नहीं करते हैं, लेकिन बैकफुट पे रह के भी, डिफेंस अच्छा करके भी इन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों को चित्त कर दिया है। तो अगर हम पॉलिटिकल करियर की बात करें तो कमाल करा राजनाथ सिंह का, राजनाथ सिंह पे, तो इनकी आज हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सेट अंडरस्कोर रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेनड्राइव कोर्सेस हर एग्जाम्स के लिए आते हैं। आप इन नंबर्स पे कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। तो राजनाथ सिंह की बात करें दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, चंदौली के भभौरा गांव में, बहुत ही छोटा सा गांव है। 10 जुलाई 1951 में इनका जन्म हुआ था। कृषि परिवार था इनका दोस्तों, एग्रीकल्चरल फैमिली से आते हैं। इनके पिताजी राम बदन सिंह और इनकी माताजी गुजराती देवी थी, उनके राजनाथ सिंह जो है जो पैदा हुए थे। बता दूं कि राजनाथ सिंह काफी क्रोधी स्वभाव के थे। ये बताते हैं कि छात्र जीवन में मैं बहुत ही ज्यादा क्रोधी स्वभाव का था, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले तो इनके जो बड़े भाई हैं वो आरएसएस में जाते थे, ठीक है, उनका संघ से रिश्ता था। तो इन्होंने जब देखा कि आरएसएस की आइडियोलॉजी ऐसी है, और तो इन्होंने भी 13 साल की उम्र में, सिर्फ ये 13 साल के, तब इन्होंने आरएसएस ज्वाइन कर ली और उसके बाद ये फिर पॉलिटिक्स में एक्टिव हुए। ये जब कॉलेज गए तो वहां पे इन्होंने एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ज्वाइन किया। तब ये बताते हैं कि मैं काफी क्रोधी स्वभाव का था, तो एक दो बार मुझे मास्टर ने बुलाया, मेरे टीचर्स ने बुलाया, बोला कि बेटा थोड़ा गुस्सा कम करो, सब कुछ अच्छा है तुम्हें और गुस्सा कम करो। तो ये राजनाथ सिंह का एक्सपीरियंस है। तो राजनाथ सिंह इसीलिए बोलते हैं कि इंसान को बहुत ही शांत होना चाहिए और जो उसका मॉरल हाई ग्राउंड है वो बहुत ही हाई होना चाहिए। उनका ये होता है कि इंसान को सक्सेस से ज्यादा अपने कैरेक्टर पे ध्यान देना चाहिए, अपनी मोरालिटी पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर आपका एकेडमिक करियर बहुत बढ़िया है और आप बहुत ही जबरदस्त हैं तो आप बहुत ही अच्छे इंसान भी हो। कल को आप डीएम बनेंगे, कल को आप बड़ी पोस्ट पे जब आप जाएंगे, कोई आपके सामने अगर कोई प्रॉब्लम लेके आता है तो आप उसको अपनी जगह रख के देखिए कि अगर आप उसकी जगह होते तो आप क्या करते। तो ये उनके संदेश है। हालांकि हम बात करेंगे इनकी आइडियोलॉजी की, कि किस तरीके की इनकी आइडियोलॉजी है, रिश्तों के भी बात करेंगे। आपको बता दूं, बहुत लोगों का ये मानना है और बहुत ऐसे सोर्सेज हैं जो ये बोलते हैं, मोदी जी और राजनाथ सिंह की ज्यादा बनती नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स है दोस्तों, हर किसी के साथ हाथ मिलाना पड़ता है। आपको एक और चीज बता दूं कि मोदी जी जब इनको प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बनाया जा रहा था तो पार्टी में बहुत सारे नेता थे, सुषमा स्वराज एक थी, जो इससे बहुत ज्यादा सहमत नहीं थी कि मोदी जी को आगे किया जाए। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि मोदी जी को समय रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था और उनका नाम आगे किया गया और कोई भी एक तरीके से उनको रोक नहीं सकता था।
एक वाक्या बताते हैं दोस्तों कि उस समय मोदी जी एक शादी में गए थे जब प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए ये अनाउंस इनका होने वाला था और राजनाथ सिंह भी उनके साथ गए। तो जब मोदी जी शादी में गए थे तो शादी में ही मोदी मोदी के नारे लगने लगे और राजनाथ सिंह और इनफैक्ट मोदी भी ये देख के हैरान हो गए थे। तब राजनाथ सिंह को कहीं ना कहीं पता लग गया था कि अब शायद इनको हटा के अपने आप को आगे करना बहुत ही मुश्किल होगा। तब राजनाथ सिंह ने हंसते हंसते बोला कि नहीं, संधि करनी चाहिए और एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड पॉलिटिक्स करनी चाहिए ताकि सब कुछ सही रहे, बीजेपी जीते। उसकी भी अभी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, इन्होंने अपनी जो शुरुआती एजुकेशन है वो गांव से ही ली और उसके बाद फिर इन्होंने मास्टर्स इन फिजिक्स किया है। जी हाँ, एमएससी फिजिक्स। तो ये भी एक फिजिसिस्ट रहे हैं और जैसा कि मैंने बताया कि कहीं पे भी स्पीच देते हैं तो फिजिक्स को जरूरी इंक्लूड करते हैं। गोरखपुर यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपना जो जो डिग्री ली है वो वहीं से हासिल किया और उसके बाद फिर इन्होंने वहीं पे ही एज अ लेक्चरर काम किया। ठीक है, अब इनके टीचर्स बताते हैं कि वैसे तो काफी होनहार थे और ये एज अ टीचर भी बहुत ही बढ़िया थे, लेक्चर देते थे और स्टूडेंट्स जो है वो इनसे बहुत ज्यादा खुश रहते थे और काफी ज्यादा एग्जाम्पल दे दे के पढ़ाते थे। तो जो इनका कार्यकाल था एज अ टीचर वो बहुत ही बढ़िया रहा। लेकिन इसी समय दोस्तों ये पॉलिटिक्स में भी बहुत ज्यादा एक्टिव थे। मैंने आपको बताया कि 13 साल की उम्र में ही इन्होंने आरएसएस ज्वाइन कर ली। आरएसएस की आइडियोलॉजी से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए। एक चीज और बताना चाहता हूं दोस्तों, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस समय एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और आरएसएस की बात करें तो 30 से ज्यादा संगठन इस समय आरएसएस चला रही है। अब यहां पे दो चीज है, या तो आप आरएसएस से प्यार करेंगे या आप इससे नफरत करेंगे, इन बिटवीन कुछ नहीं होता है। ठीक है, या तो आप राइटिस्ट हैं या फिर लेफ्टिस्ट हैं, यहां पे आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे, आरएसएस से प्यार करने वाले और आरएसएस से नफरत करने वाले, इन बिटवीन यहां पे कुछ नहीं है। हालांकि आरएसएस के जो वॉलंटियर्स, अगर कहीं पे भी कोई आपदा आती है तो आरएसएस ने काफी अच्छा काम भी किया है, ऐसी बात नहीं, आरएसएस के वॉलंटियर्स हर जगह आगे भी रहते हैं। ठीक है, लेकिन जो इनकी आइडियोलॉजी है उससे बहुत लोग सहमत नहीं है। तो अब यहाँ पे राजनाथ सिंह ने, आपने बहुत देखा होगा कि शाखाएं हैं, समय बहुत हजारों हजारों शाखाएं पूरे देश में चल रही हैं, तो 13 साल की उम्र में इन्होंने शाखा ज्वाइन की और राजनाथ सिंह फिर वहीं पे ही आरएसएस से हो गया। अब ऐसा बोला जाता है कि बीजेपी में एंट्री मारना है तो सबसे पहले आरएसएस में एंट्री मारो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में अगर आप बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता हैं और बहुत ही बढ़िया आपको पोजीशन मिल गई तो आपकी बीजेपी में एंट्री पक्की, और ये सही भी है क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पे अगर आपको एंट्री मारनी है, और बहुत सारे ऐसे नेता हैं, हम अगर बात करें नितिन गडकरी की तो आरएसएस के बहुत ज्यादा प्रिय थे और यहाँ पे नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह में भी कोई बहुत ज्यादा अच्छे रिश्ते, ऐसा बोला जाता है दोस्तों, अच्छे रिश्ते नहीं है, वो भी अभी हम बात करेंगे। ठीक है, और अगर हम मोदी जी की बात करें या इनफैक्ट लाल कृष्ण आडवाणी की बात करें तो ये सब आरएसएस से, मतलब बहुत ज्यादा ये प्रिय नेता थे आरएसएस के और इसीलिए इनको आगे किया गया, तो आरएसएस की बात बहुत ज्यादा मानी जाती है यहाँ पे। तो अगर हम बात करें कि किस तरीके से राजनाथ सिंह 13 साल से आरएसएस में जुड़े, उसके बाद फिर जब ये पढ़ाई कर रहे थे उसी दौरान ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के स्टूडेंट लीडर हो गए और यहां पे कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो हमेशा राजनाथ सिंह आगे रहते थे। और फिर 1969 से लेकर 1971 तक ये ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी थे एबीवीपी के और उसके बाद फिर जनरल सेक्रेटरी बन गए कार्यवाह आरएसएस के 1972। 1974 दोस्तों, मैंने बीजेपी पे पूरा लेक्चर लिया है बायोग्राफीज के फॉर्म में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी, अटल बिहारी वाजपेयी और उसके बाद श्याम प्रसाद मुखर्जी, तो मैंने पूरी ये जर्नी बताई, लाल कृष्ण आडवाणी, मोहन भागवत जो कि आरएसएस के लीडर हैं, तो मैंने उनकी पूरी जर्नी बताई है कि किस तरीके से भारतीय जनसंघ बीजेपी बना, ये पूरी कहानी है दोस्तों, देख लीजिएगा। तो यहां पे अगर हम देखें तो इन्होंने पहले भारतीय बीजेपी, भारतीय जनसंघ थी, 1974 में इन्होंने भारतीय जनसंघ ज्वाइन किया, लेकिन 1975 में इमरजेंसी लग गई, 1976 में इनको जेल में डाल दिया गया। अब 1976 में आपको एक बहुत ही बेहतरीन वाकया हुआ यहां पे दोस्तों, जेल में राम प्रकाश गुप्त भी जेल में थे, वो उस समय डिप्टी सीएम थे, तो वो हाथ बहुत बढ़िया देखते थे राम प्रकाश गुप्त, और ये राजनाथ सिंह को पता चला कि कुंडली बहुत बढ़िया देखते हैं, तो उन्होंने जब हाथ दिखाया तब राम प्रकाश गुप्त ने बोला था कि तुम बेटा एक दिन चीफ मिनिस्टर बनोगे, तुम एक दिन ऐसा आएगा कि प्रदेश के सीएम बनोगे। तब लोग काफी, जितने भी लोग थे, क्योंकि उस समय बहुत बड़े लीडर भी थे राम प्रकाश गुप्त और राजनाथ सिंह उभरता सितारा थे, तो जब राजनाथ सिंह को यह बात पता चली तो उनको बहुत खुशी तो हुई। और आपको मजे की बात बताऊं, जब चीफ मिनिस्टर बने यूपी के राजनाथ सिंह तो पता है किसको हटा के बने? उन्हीं को हटा के बने जिन्होंने राजनाथ सिंह का हाथ देखा था। जरा आप संजोग देखिए, राम प्रकाश गुप्त उस समय चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के, उन्हीं को हटा के राजनाथ सिंह चीफ मिनिस्टर बने थे। तो ये सारी चीजें थी। और राजनाथ सिंह एक और चीज बताते हैं कि
पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। जब राजनाथ सिंह को जेल में इमरजेंसी के दौरान 18 महीनों के लिए जेल में बंद किया गया, तो राजनाथ सिंह ने यहाँ पे बहुत पढ़ा। यहाँ पे उन्होंने कार्ल मार्क्स को पढ़ा, यहाँ पे वेदों को पढ़ा, यहाँ पे इन्होंने वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ी, तो इतना ज्यादा पढ़ा, किताबें इतनी पढ़ी, और तब जाके राजनाथ सिंह बोलते हैं कि जो अच्छे अच्छे के लिए होता है, क्योंकि तब मेरे दिमाग में जो भी चीजें थी वो खुल गई, मेरी थिंकिंग ब्रॉड हो गई, और पढ़ने से मुझे सारी आइडियोलॉजीज का ज्ञान हुआ, और उसके बाद जब ये जेल से निकले तो एक बहुत ही परिपक्व नेता के रूप में निकले। उसके बाद दोस्तों मिर्जापुर से ही ये एमएलए चुन के आए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर उसके बाद दोस्तों इलेक्शन हुआ था, तब इनको हार का भी सामना करना पड़ा था, और तब ये किराए के मकान में रहते थे, इनके पास अपना मकान नहीं था, और उस समय इतनी ज्यादा आर्थिक दिक्कतें आ गई थी राजनाथ सिंह के पास कि बहुत प्रॉब्लम थी, कि जो इनकी सिर्फ और सिर्फ जो एक आमदनी थी, छोटी आमदनी थी जो टीचिंग प्रोफेशन से आ रही थी, वही इनका गुजारा था, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था, आर्थिक तंगी भी इन्होंने झेली है, लेकिन हार नहीं मानी। उसके बाद दोबारा ये पॉलिटिक्स में, मतलब इन्होंने चुनाव लड़ा और फिर जीते, और यहां पे फिर ये बीजेपी यूथ विंग के लीडर बन गए, स्टेट प्रेसिडेंट हो गए ये 1984 में। उसके बाद फिर इन्होंने कभी भी पीछे मुड़के नहीं देखा, जनरल सेक्रेटरी बने 1986 में, और फिर एक बहुत बड़ा जो मूवमेंट आया 1988 में, ये नेशनल प्रेसिडेंट बने। लेकिन 1991 में बीजेपी की सरकार थी कल्याण सिंह की, आपको पता ही है, 1991 में वहां पे ये एजुकेशन मिनिस्टर बने। अब जब ये एजुकेशन मिनिस्टर बने थे तो इन्होंने, आपको पता ही है, नकल उस समय बहुत होती थी, और जो लोग यूपी से हैं वो मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, और उनको शायद पता भी होगा कि अब तो नहीं खैर, लेकिन आज से 10 साल पहले की बात करें, 10 साल भी छोड़िए, आज से अगर 8 साल पहले की भी बात करें, तो अगर यूपी बोर्ड में किसी के 70% भी आ जाते थे तो बोला जाता था कि अरे बाप रे, इसके 70% यूपी बोर्ड से आ गए हैं। तो ऐसा कुछ था उस समय, और ये क्यों था, क्योंकि राजनाथ सिंह एक लॉ लेके आए थे 1991 में। वो लॉ क्या था कि बेटा कोई भी अगर नकल करते हुए पकड़ा गया तो उसको तो बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा, जिसको बोला गया एंटी कॉपिंग एक्ट 1992। अब आपको पता ही, उससे पहले और अभी भी किसी की सरकार थी, मैं नाम नहीं लूंगा, नकल बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, ठीक है ना। तो अब क्या होता था इसमें कि इधर कॉपी खुली है, इधर एग्जाम चालू है, इधर कॉपी, तो आराम से हर कोई पास हो जाता था। जब ये पता चला, क्योंकि खुद भी पढ़े लिखे थे, देखिए दोस्तों पॉलिटिक्स में पढ़े लिखो का आना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक मिनिमम क्राइटेरिया तो होना चाहिए, जिस तरीके से हर एग्जाम में रिटर्न होता है ऐसे पॉलिटिक्स में भी रिटर्न हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे राजनाथ सिंह एक पढ़े लिखे इंसान थे, और उनको पता था कि किस तरीके से अगर शिक्षा को सही नहीं किया गया तो बहुत ही इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं, तो फिर ये एंटी कॉपिंग एक्ट लेके आए। उसी दौरान दोस्तों इन्होंने वैदिक मैथ्स और सिलेबस, जो हिस्ट्री का सिलेबस था, उसमें भी इन्होंने फेरबदल किए थे, वैदिक मैथ्स को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ये वेदों पे बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं, और काफी ज्यादा इनकी पकड़ भी है, ठीक है, और काफी ज्यादा हिंदू को तो प्रमोट करते ही है, हिंदुइज्म को तो जाहिर सी बात है प्रमोट करते ही है, लेकिन उसके अलावा ये बहुत सारी चीजें और बताते हैं कि किस तरीके से हिंदुइज्म ने इतने इतने सालों से भारतीय व्यवस्था को बदला है। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद दोस्तों एजुकेशन मिनिस्टर बने, लेकिन फिर आपको पता ही है बाबरी मस्जिद विवाद हुआ, कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया, दोबारा फिर कल्याण सिंह प्रेसिडेंट बने। यूपी की दोस्तों हिस्ट्री बड़ी, अब बड़ा दुख होता है, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो शायद सबसे ज्यादा ब्लेस्ड है। उत्तर प्रदेश में इतनी सारी नदियां बहती है, गंगा यहीं से तो होकर गुजरती है, एक फर्टाइल लैंड है, इतना ज्यादा स्कोप है, भारत का इतना बड़ा राज्य है, और यूपी सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उत्तर प्रदेश को डेवलप किया ही नहीं जा सका, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि इस स्टेट में बहुत ज्यादा स्कोप है, ठीक है। आपको मैं एक और चीज बताता हूं, उत्तर प्रदेश के जितने भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, अभी तक जितने भी हुए हैं, पहले चीफ मिनिस्टर कौन है कमेंट बॉक्स बताएं, उनकी बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है, तो जितने भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं ज्यादातर 90% चीफ मिनिस्टर ने अपना पूरा कार्यकाल नहीं किया। 5 साल का कार्यकाल होता है चीफ मिनिस्टर का, उससे पहले किसी का 1 साल, किसी का 2 साल, किसी का 6 महीने, कभी सरकार गिर जा रही है, कभी सरकार सपोर्ट खींच ले रही है, कभी प्रेसिडेंट रूल लागू हो जा रहा है, ऐसी हालत रही है उत्तर प्रदेश की। और 1990s में तो ये अपने चरम पे थी, कल्याण सिंह, मायावती, मुलायम सिंह, फिर कल्याण सिंह, फिर राम प्रकाश गुप्त, फिर राजनाथ सिंह। 2002 के बाद स्टेबल गवर्नमेंट आई है, मायावती, फिर अखिलेश यादव, और अभी योगी सरकार। तो आप देख सकते हैं ना, बहुत ही दिक्कतें रही है, दिक्कतों भरा सामना करना पड़ा उत्तर प्रदेश को, यहाँ की पॉलिटिक्स इस तरीके से रही, और जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश डेवलप नहीं हो पा रहा है, अभी तक तो हो नहीं पा रहा है, आप देखते हैं आगे की इस समय की सरकार क्या करती है। तो ये प्रॉब्लम्स रही है।
तो यहां पे एक ऐसी स्टेट में इस तरीके के लॉ लाना ये अपने में ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस समय पॉलिटिकल कंडीशन, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। लेकिन फिर दोस्तों ये स्टेट पॉलिटिक्स से थोड़ा सा हटे और उसके बाद फिर सेंट्रल पॉलिटिक्स में भी ये एक्टिव हुए। उत्तर प्रदेश की जो बीजेपी की यूनिट थी उसका भी इनको प्रेसिडेंट बनाया गया और 1999 में ये इनको कैबिनेट मिनिस्टर भी दी गई, ये सर्फेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने, ठीक है। और जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई थी तब इनको एग्रीकल्चरल मिनिस्टर बनाया गया था, तब इनके काफी अच्छा काम था एग्रीकल्चर मिनिस्टर। लेकिन दोस्तों 2000 का समय था और उस समय जो चीफ मिनिस्टर थे यूपी के वो राम प्रकाश गुप्त थे और राम प्रकाश गुप्त ने ही इनका हाथ देखा था और 2000 में उन्हीं को ही हटा के ये चीफ मिनिस्टर बने थे। हालांकि एक बहुत ही और बड़े कद्दावर नेता कलराज मिश्र और राजनाथ सिंह में काफी टसल चल रही थी, ठीक है, कि मुझे आगे जाना है। पॉलिटिक्स इसी का नाम होते हैं। लेकिन राजनाथ सिंह का एक व्यक्तित्व है, वो चुपचाप अपनी चीजों को करते हैं, वो अपनी कभी भी मंशाओं को आगे नहीं रखेंगे। अगर उनके कोई भी पॉलिटिकल एम्बिशन है वो कभी भी उसको आगे नहीं रखेंगे, चुपचाप करते रहते हैं और उसके बाद उसको वो पा लेते हैं। शायद ये एक बहुत बड़ा तरीका है और बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि किस तरीके से आपको अपनी शेखी नहीं बगाड़नी चाहिए, चुपचाप अपना काम करते रहिए और अल्टीमेटली आपको जीत हासिल होगी। तो यहां पे राजनाथ सिंह ने सबको किनारे करके, भैया यंग ही थे ना, पॉलिटिक्स में तो इनको यंग ही बोला जाएगा, उस समय 2000 की बात है, तो सबको इन्होंने किनारे करके चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी बने और उसके बाद फिर ये दो बार एमएलए भी चुने गए और फिर 2002 में इलेक्शन हुए। उसके बाद फिर आपको पता ही है 2002 में इलेक्शन हार गई बीजेपी। तो यहां पे फिर ये सेंट्रल पॉलिटिक्स में आ गए और उसके बाद इनको जनरल सेक्रेटरी ऑफ बीजेपी बनाया गया और 2003 में राजनाथ सिंह को एग्रीकल्चर मिनिस्टर, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर बनाया गया अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में। अब 2003 में जब इनको एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया गया तो उन्होंने काफी कुछ किया। ये चाहते थे कि जो लोन्स दिए जा रहे हैं उसका जो इंटरेस्ट होता है वो कम हो, उस समय काफी था 14 से 16%, इन्होंने 8% किया, ये चाहते थे खाली 1% हो लोन पे, क्योंकि दोस्तों किसानों पे, किसान जो लोन लेते हैं उसमें काफी इंटरेस्ट लेते हैं जो बैंक्स होते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल कम कर दो। उसके बाद दोस्तों इन्होंने फार्मर कमीशन भी स्टैब्लिश की थी, ठीक है, तो किसानों के लिए भी इन्होंने काफी ज्यादा काम किया था। इनकम इंश्योरेंस स्कीम भी इन्होंने उस समय चलाई थी, तो ये चीज। लेकिन ये जो स्कीम्स हैं, और ज्यादा कुछ राजनाथ सिंह को करने का मौका मिला ही नहीं, क्योंकि 2004 में इलेक्शन हुए, लोकसभा के इलेक्शन हुए, बीजेपी हारी और कांग्रेस सरकार आ गई। तो जब कांग्रेस सरकार आई तो यहां पे राजनाथ सिंह विपक्ष में बैठे थे, लेकिन फिर भी उनको बात हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि दोस्तों ऐसा था कि राजनाथ सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी को बहुत अच्छा मौका मिल गया था, लाल कृष्ण आडवाणी को पता था, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रिटायरमेंट ले लिया था और लाल कृष्ण आडवाणी उस समय क्या हो गए थे, उस समय वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे थे, कि 2009 में पीएम इन वेटिंग बोला जाता ना लाल कृष्ण आडवाणी को, कि जैसे ही 2009 में इलेक्शन होंगे भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, हम जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी नहीं जीत पाए। अब एलके आडवाणी की भी बायोग्राफी मैंने रिव्यू किया, देख लीजिएगा क्या हुआ था, क्यों नहीं जीत पाए और ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जो बीजेपी को 2009 में जीत हासिल नहीं हुई, वो भी आपको। बहरहाल राजनाथ सिंह जो है वो नेशनल प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सबसे बड़ी पोस्ट बीजेपी में जो होती है वो 2005 में इनको मिली। नितिन गडकरी से भी इनका विवाद हुआ, नितिन गडकरी को संघ की पसंद थे नितिन गडकरी दोस्तों। जब 2009 में, आपको बता दूं कि जब 2013 में यहां पे जब अध्यक्ष चुनने की बारी थी तो नितिन गडकरी संघ की पसंद थी, लेकिन उस समय कुछ चार्जेस लग गए थे नितिन गडकरी पे, ठीक है, कुछ भ्रष्टाचार के चार्जेस लग गए थे जिसकी वजह से इनको अध्यक्ष नहीं बनाया जा सका, तो नितिन गडकरी को करप्शन चार्जेस की वजह से इस्तीफा देना पड़ा, हालांकि ये प्रूव नहीं हो पाए। उसके बाद ये मौके का फायदा उठा के राजनाथ सिंह को यहां पे अध्यक्ष बनाया गया, राजनाथ सिंह अध्यक्ष बने। अब राजनाथ सिंह को यह लगा कि शायद मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा और कुछ भी हो दोस्तों, दबे मन से ही सही है, लेकिन राजनाथ सिंह को यह पता था कि मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए चुना जाएगा और मैं प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार रहूंगा। तो यहां पे ये सारी चीजें हुई, लेकिन जब संसदीय दल की बैठक हुई और नरेंद्र मोदी जी का नाम आगे बढ़ाया गया तो राजनाथ सिंह ने अपोज तो नहीं किया, उस समय सिर्फ सुषमा स्वराज थी जिसने अपोज किया था, उन्होंने बोला कि मेरा अपोजिशन लिखित में होना चाहिए, मैं मोदी जी को सपोर्ट नहीं करूंगी, उन्होंने बोला था सब पछताओगे, ठीक है, तो ये चीज थी। तो जब सिर्फ उस समय सुषमा स्वराज का अपोज था लेकिन राजनाथ सिंह ने अपोज नहीं किया, वो बिल्कुल शांत थे, शायद उनको पता था कि जिस तरीके का उस समय मोदी जी का कद बढ़ रहा था और उस समय बीजेपी की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन कांग्रेस का एक तरीके से बहुत ही खराब परफॉर्मेंस था, कांग्रेस पे बहुत सारे आरोप लग रहे थे, तो 2014 में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। तो यहां पे जब नरेंद्र मोदी जी के नाम को आगे बढ़ाया गया, राजनाथ सिंह, उनको पता था, उनको मालूम था कि मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूं, लेकिन मोदी जी का रुतबा देखते हुए उन्होंने ये बात मन में ही रख ली और उसके बाद फिर मोदी जी को भी राजनाथ सिंह की जरूरत थी,
राजनाथ सिंह को भी मोदी जी की जरूरत थी, तो यहां पे दोनों नहीं एक तरीके से पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग थी उनकी कि दोनों नहीं समन्वय बैठाया और बीजेपी को जिताया। और उसके बाद जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने तो राजनाथ सिंह को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पद मिला, उनको मिला गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, जो दूसरा सबसे बड़ा पद होता है। तो जब उनको होम मिनिस्ट्री दी गई तो जाहिर सी बात है काफी बड़ा सम्मान था ये। और अभी जब दोबारा बीजेपी जीत के आई तो इनको डिफेंस मिनिस्ट्री दी गई है। चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में होम मिनिस्टर कौन है। तो ये चीज, तो एक तरीके से अगर हम इनके रिलेशन देखें, भले ही ये बहुत अच्छे ना हो लेकिन राजनाथ सिंह को यह पता है कि सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को कैसे एडजस्ट करना है, क्योंकि अल्टीमेटली समझदार इंसान वही होता है जो सिचुएशन के हिसाब को अपने आप से एडजस्ट करता है, ठीक है ना। ज्यादा जल्दबाजी में कोई भी फैसले नहीं रहता, क्योंकि उन्होंने सबक लिया था कि क्या दिक्कतें हुई थी यहाँ पे मोदी जी से, जिन जिनने बैर लिया था, जिन जिनने अपना खुला विरोध जाहिर किया था, उनकी कोई बहुत अच्छी, बहुत बड़े पार्टी लीडर्स को छोड़ दे तो कोई बहुत अच्छी वहां पे कंडीशन नहीं थी। तो यहाँ पे राजनाथ सिंह ने इस चीज को अपने मन में ही दबाया और फिर पार्टी के लिए और देश के लिए उन्होंने काम जो है वो शुरू कर दिया। कुछ क्विक फैक्ट्स बता देता हूँ दोस्तों। जब इनके टीचर्स से बात की गई, राजनाथ सिंह के जो टीचर्स थे जो राजनाथ सिंह को पढ़ाते थे, तो जब इनसे पूछा गया तो राजनाथ सिंह के बारे में इनके टीचर्स ने बोला कि बड़े ही सौम्य इंसान है। सबसे बड़ी बात यह है कि राजनाथ सिंह अपने बड़ों का आदर करते हैं। आज भी जो उनके टीचर्स थे, स्पेशली जो मैथ्स टीचर थे, जब उनसे पूछा गया कि आज भी अगर मान लीजिए कि एक बार ऐसा हुआ था कि मैं सामान लेके आ रहा था, ठीक है, तो मेरे दोनों हाथों में सामान था, तो राजनाथ सिंह इतने बड़े कद के व्यक्ति, उन्होंने जैसे ही देखा वो तुरंत आया और उन्होंने मेरा पूरा सामान ले लिया, और मैंने रोकने भी कोशिश की तब भी उन्होंने अपना पूरा सामान ले लिया। अगर हम लोग जाते तो आज भी चाहे वो कहीं पे भी हो उठ के हमारा सत्कार करते हैं। कहने का मतलब ये है कि बड़ों का सम्मान राजनाथ सिंह में बहुत ज्यादा है। राजनाथ सिंह की अगर आइडियोलॉजी की बात की जाए तो राजनाथ सिंह की बहुत सारी स्पीचेस हैं। एक स्पीच का मैं वर्णन करूंगा यहाँ पे, जब वो सिविल सर्वेंट्स को ये समझा रहे हैं और ये बताते हैं कि मोरालिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कभी भी ईगो को सामने मत लेके आओ। मोरालिटी और ईगो ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और एक चीज और बताते हैं, साइंस की भाषा में बताते हैं कि भैया अपने मन को बड़ा करो, ठीक है ना। मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हैप्पीनेस। जितना ज्यादा अपने मन को बड़ा करोगे, बड़ा मन रखोगे, उतना ज्यादा खुश रहोगे। ईगो को बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। कोई इंसान अगर बड़ी पोजीशन पे, कोई डीएम है, तो आपको ईगोइस्ट नहीं होना चाहिए। मॉरल हाई ग्राउंड रखना चाहिए आपको। मॉरली आपका कैरेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो चीज बताते हैं कि कैरेक्टर को इंसान का सबसे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि कैरेक्टर ही एक इंसान को बनाता है। सबसे बड़ा धन ना पैसा ना मेटीरियल, इंसान का कैरेक्टर होता है। ये चीज है, ऐसा इंसान रोल मॉडल बनना चाहिए सक्सेस की बजाय। अगर हम रोल मॉडल, हमारा जो एम है वो डेफिनेटली हर इंसान का लक्ष्य होता है, लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें तो इंसान अगर फोकस करे कि क्या क्या क्वालिटीज वो धारण करे जिससे वो अपने लक्ष्य को तो पा ही ले, साथ ही एक रोल मॉडल भी बन जाए दूसरों के लिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए एक अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए, इंसान को स्पिरिचुअल बनना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड से उसको निकलना चाहिए घर से बाहर। हमेशा उसका एटीट्यूड जो, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, राजनाथ सिंह के वर्ड है, उसका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। घर में झगड़ा हो गया घर पे ही छोड़ के आइए, ऑफिस में अच्छे मन से आइए, और मन तो बड़ा होना ही चाहिए। आपको बता दूं कि यूपीएससी की भी तैयारी की थी। राजनाथ सिंह बताते हैं कि जब मैं 10वीं और 12वीं में था तो मैंने भी यूपीएससी की ठानी थी कि मुझे भी आईएएस निकालना है और जी तोड़ मेहनत करनी है, काफी ज्यादा पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो यूपीएससी के लिए भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। दिस वॉज ऑल अबाउट राजनाथ सिंह, इनके बारे में मैं सब कुछ बताया। कोई भी क्वेरी हो तो मेरे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताया। देखिए दोस्तों, एक चीज और है, इस लेक्चर को एज अ बायोग्राफी लीजिए, भगवान के लिए इसको पॉलिटिसाइज मत करिए, ठीक है। बीजेपी कांग्रेस, मैंने कांग्रेस के नेताओं पे भी लेक्चर लिए हैं और बीजेपी के नेताओं पे भी लेक्चर लिए हैं, सब पे लेक्चर लिए, जो काबिल होगा उसका लेक्चर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। जैसे सिद्धांत